very good morning, students. How are you all? I hope you all are fit and fine. And how was your holidays? This time you got two days holiday, na? Hai na? So how was your Janmashtami? Was good? Okay. So today we have another English class. आज हमारी किस सब्जेक्ट की क्लास है? इंग्लिश की क्लास है. तो अब हम थोड़ी सी पढ़ाई कर लें. 2-3 days बहुत मस्ती कर ली ना हमने, है ना? ओके. सो आज हम लोग पढ़ेंगे, पहले मुझे बताइए लास्ट वाली क्लास में क्या पढ़ा था? यस, हमने पढ़ा था क्यू एंड आर, राइट? हमने पढ़ा था क्यू एंड आर, अपर केस एंड लोअर केस किस तरीके से बनाया जाता है. हाउ टू राइट क्यू एंड आर अल्फाबेट इन अपर केस एंड लोअर केस. एंड ऑल्सो वी हैव लर्न सो मैनी वर्ड्स विच स्टार्ट फ्रॉम द अल्फाबेट क्यू एंड आर, राइट? सो हमने लास्ट वाली क्लास में पढ़ा था क्यू एंड आर अल्फाबेट इन अपर केस एंड लोअर केस. एंड ऑल्सो वी लर्न सो मैनी वर्ड्स विच स्टार्ट फ्रॉम द अल्फाबेट क्यू एंड आर, राइट? वेरी गुड. So now this time we are going to learn how to write upper case and lower case S and T, right? R के बाद S आता है? Yes. So R के बाद आता है S और S के बाद आता है T, right? Okay. So today we are going to learn how to write lower case and upper case S and T, and also we learn so many words. स्टार्ट फ्रॉम द अल्फाबेट एस एंड टी. सो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे अपर केस एंड लोअर केस एस और टी कैसे बनाते हैं. एंड देन उसके बाद में हम लोग सीखेंगे एस और टी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स. ओके, सो स्टार्ट करें. एवरीवन लुक एट द बोर्ड. ओके, सो हियर वी गो. First we learn how to write uppercase S and T, and after that we learn how to write in lowercase. All right? Okay. So for the uppercase S, we need to start from the first line. All right? So हम थोड़ा सा curve shape लेते हुए नीचे से इस तरीके से उठाएंगे और first line में round बनाते हुए चलेंगे. Like this, जैसे हमने C की form ली थी, और हम लोग पहुंचेंगे second line पे. It looks like a lowercase c, right? Yes. So now one more c will draw from the second line to third line like this. Understood? Okay. So we have started from the first line to second line. We have drawn one lowercase c, and after that from the second line to third line, another c we have drawn, right? So हमने क्या किया? हमने पहले first line से second line तक एक half कर बोल सकते हैं या हमें बनाने हैं राइट एंड लेफ्ट, और हमारा बन जाएगा अपर केस एस. वेरी नाइस. सो वन मोर टाइम, देयर वी गो. ऑल राइट, देन वेरी गुड. मोस्ट ऑफ द टाइम आपने नंबर 5 को एस ही बनाया था, आपको याद है? तो मैं आपको बार बार कहती थी कि प्लीज मेक इट प्रॉपरली. हमें वहां पे स्लीपिंग और स्टैंडिंग लाइन का यूज करना होता था, बट आप लोग उसको ऐसे ही बनाते थे. सो नाउ आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि एस हमारा कैसे बनता है. ठीक है, नाउ अब हम लोग देखेंगे हाउ टू राइट टी. हाउ टू राइट टी अल्फाबेट इन अपर केस. इट्स अ वेरी सिंपल. सो टी बनाने के लिए सबसे पहले व्हाट वी नीड टू ड्रॉ और डू, वी नीड टू ड्रॉ वन स्लीपिंग लाइन फ्रॉम द फर्स्ट लाइन.
सभी बच्चे क्या करेंगे, वन वन टाइम अपनी नोटबुक में बनाएंगे, जैसे कि मैम हर बार आप लोगों से बनवाती हैं। चलिए अब हम लोग सीखेंगे लोअर केस टी। ऑलराइट, क्या सीखेंगे हम लोग, लोअर केस फर्स्ट है एंड देन उसके बाद में हम लोग देखेंगे टी कैसे बनाते हैं। फॉर दिस वन मोर टाइम आई ड्रॉ फोर लाइंस। ठीक है, सो लोअर केस एस बनाने के लिए सेम तरीका होता है जैसे भी हमने अपर केस बनाया था, उसी शेप में हमारा लोअर केस एस बनता है। बट हमने अपर केस के लिए स्टार्ट की थी फर्स्ट लाइन, लोअर केस के लिए हम लोग ओनली टू लाइंस का यूज करेंगे। ओके, अपर केस एस बनाने के लिए हमने थ्री लाइंस का यूज किया था, बट लोअर केस एस बनाने के लिए हम लोग टू लाइंस का यूज करेंगे। ऑलराइट, सो सेकेंड एंड थर्ड लाइन का हमें यूज करना है एट द सेम सेकंड पर हमें एस बनाना है लाइक दिस। ऑलराइट, समझ आ गया, मीन्स अब हमें टू लाइंस के अंदर ही हमें दो सी बनाने हैं और हमारा लोअर केस एस बन जाएगा। डन, इजी है ना, मतलब जैसे अपर केस बनाया था वैसे ही लोअर केस बनाना है, बट लाइंस का हमें ध्यान रखना है। ऑलराइट, वेरी गुड। नाउ अब हम लोग देखते हैं लोअर केस टी कैसे बनाया जाता है। सो लोअर केस टी बनाने के लिए फर्स्ट वी नीड टू ड्रॉ वन स्टैंडिंग लाइन। ऑलराइट, हमने फर्स्ट लाइन से लेके थर्ड लाइन तक बनाई एक स्टैंडिंग लाइन, और जब हम थर्ड लाइन बनाएंगे तो हम इसे थोड़ा सा लाउंड करने के कप शेप देंगे, इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर उठ गया दिखा आपको, और ये हमारी सेकंड लाइन है, हम इस पे बना देंगे एक सी पे लाइन इस तरीके से। तो ये बन जाएगा हमारा लोअर केस टी, सिंपल है। वन मोर टाइम, फर्स्ट वी नीड टू ड्रॉ वन स्टैंडिंग लाइन, होते हैं। ओके,